गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। लेकिन सॉरी, मेरे पास चाय ब्लैक चाहिए, वाइट नहीं है, तो आप लोगों को शायद अच्छी ना लगे। और चाय पीने के बाद मैं और वंश मिल के यहाँ पे कर रहे हैं हम बर्तन, बर्तन साफ कर ले रहे हैं। थोड़े से नाइट के रखे हुए थे और अभी चाय के थे, तो वंश ने सोचा मम्मा की तबीयत ख़राब है तो क्यों ना मैं भी साफ करने लगूँ बर्तन, तो वो भी बैठ गया है। और आप लोग तो जानते ही हो ना कि कुछ भी काम करो तो ये पहले काम करने लग जाता है मेरे साथ। और आज तो पता है उसने कपड़े भी धोने लगा था। जब मैं कपड़े धो रही थी उनके पापा के, तो वो अपने कपड़े धोने बैठ गया था, बोले मम्मा मैं धोऊँगा। और फिर मैं नहाने धोने के बाद मैंने आज सोचा मैं क्या बनाऊँ, मेरा कढ़ी खाने का मन था। और ये रात को थोड़ा सा दही ले आए थे, तो उन्होंने रायता बना उनके लिए बना दिया था, तो उन्होंने रायता खाया था और मैंने दही रख दिया था, तो थोड़ा सा बेसन रखा था, तो मैंने सोचा मैं कढ़ी बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे छोंक दिया है मठा बेसन डाल के, और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता इसी तरह हिलाते रहेंगे बेसन कढ़ी को। और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बाबू के लिए थोड़े से मीठे पुए बना दे रही हूँ, क्योंकि उसको भूख लगी है, कह रहा है मम्मा आटा दो। और पुए बनाने के बाद मैं यहाँ पे पकौड़ी बना ले रही हूँ थोड़ी सी, और पकौड़ी टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी मेरी, और बेसन भी थोड़ा सा ना पतला हो गया है तो इसलिए ऐसी बन रही है। कोई नहीं, जैसी भी बन रही है, अपन को ही खाना है, किसी बाहर वालों को तो नहीं खिलाना है। तो ये मैं पटाक से अपे निकाल ले रही हूँ। और ये पकौड़ी निकालने के बाद मैंने इसमें कढ़ी में ना बाकी का मिर्च मसाले डाल दिए थे, वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पे तेल कढ़ाई में गर्म था और वंश बार बार यहाँ पे आके परेशान कर रहा था, तो डर लगता है ना जल जाए कुछ हो जाए, इसलिए मैंने पटाक से बना ली और ये डाल दी, ये दिखा नहीं पाई। और देखिए बारिश हो रही है, एकदम बादल देखिए कैसे एकदम काले काले हो गए हैं। और ये बारिश की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि छत पे ना पानी भर जाता है और ये साफ़ करना पड़ता है, ये साफ़ करो तभी बाहर निकलता है, अपने आप नहीं निकलता है। तो इसी के चक्कर में फिर मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है और बुखार वगैरह आ जाती है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और ये छत पे भरा हुआ है पानी, और नहीं साफ करो तो ये भाई साहब देखो ऐसा करते हैं पानी में खेलने के लिए। अभी तो घर जा रहे गेट पे, लेकिन पानी में खेलने के लिए भी देख रहे हैं जैसे पानी भरा रहता है। तो हेलो, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मज़े में होंगे। और थोड़ी मेरी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं दो दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाई। मेरा वीडियो तैयार था, बस मुझे एडिटिंग करना था, पर मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं दो दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि पानी वगैरह बरस गया था। और पानी बरसता है छत पे भर जाता है, और वही साफ करती हूँ तो मुझे बुखार आ जाता है। बस यही प्रॉब्लम है मेरी कि जब भी मैं पानी वगैरह में हाथ डालती हूँ बारिश के पानी में तो बुखार आ जाता है, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द ये स्टार्ट हो जाता है। और रूम में भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो फिर साफ़ करना पड़ता ही है, और छत वगैरह भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बाबू फिर दिन भर उसमें ही लगा रहता है पानी में ही, तो इसलिए साफ करो तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और पिछले साल भी यही हो रहा था मेरे साथ, दो तीन बार मैं बीमार हो गई थी, और कल भी उसी वजह से। ये 1-2 बोल रहा है इसकी भाषा में, देख लीजिए आप लोग। वंशु खराब हो गई थी, इसको भी रात में उल्टी वगैरह हो रही थी, बार बार उल्टी कर रहा था। इसने कुछ भी नहीं खाया था, दिन में भी नहीं खाया था, नीचे ही गया था उसकी दादी के पास, तो वहीं पर थोड़ा बहुत खाना खाया होगा तो खाया होगा, नहीं तो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं खाया था शाम में। फिर भी इसने रात में 2-3 बार उल्टी करी थी और मुझे रात बनी नहीं रही थी इसके चक्कर में कि क्यों उल्टी क्यों कर रहा है। कभी उल्टी वगैरह ऐसे नहीं, थोड़ी बहुत करता है था पहले भी, लेकिन अभी बहुत दिनों से नहीं करी थी। और ऐसा कुछ खाया भी नहीं था कि जैसे उल्टी हो उसको, तो फिर उस वजह से भी थोड़ा टेंशन हो रहा था मुझे, और मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो मैं ब्लॉग पे आ ही नहीं पाई, इस पर ध्यान देने लग गई। फिर इसकी तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं डालती नहीं हूँ,
तो 2 दिन हो गए थे ब्लॉग में डाल ही नहीं पाई, तो आज ये वीडियो मेरा परसों का ही बना हुआ है, तो आज मैं सेंड कर रही हूँ, आज मैं एडिटिंग इसकी कर रही हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोचोगे कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, कोई भी सस्ता रहता है भाई ब्लॉग नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो तो अपनों के बारे में ज़रूर सोचते हैं, और मैं जानती हूँ आप लोग इंतज़ार में हो ब्लॉग का। तो आज फाइनली मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, और ये देखिए ये परेशान किया जा रहा है, ये परेशान करता है भाई साहब, ये ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, और बहुत ज़्यादा पीपी की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इस वजह से भी तबीयत वगैरह गड़बड़ चल रही है। कोई नहीं, 15 दिन बाद मैं घर जाने वाली हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो 15 दिन प्लीज़ प्लीज़ आप सब ज़रूर से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें, ताकि क्योंकि घर पे वहाँ पे मुझे नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो शायद हो सकता है कि पता नहीं वीडियो अपलोड होगा भी कि नहीं होगा, मैं नहीं जानती, तो अब देख लूँगी जो जैसा भी अगर होगा तो करूँगी अपलोड। और मेरे कल 10 अनसब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कल भी कि ऐसे क्यों करते हैं, जो भी आप लोग न्यू आते हो वीडियो पे तो थोड़ा बहुत वॉच करके ही आया करिए, क्योंकि बाद में अन हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे कल 10 अन हो गए यार, पहले तो 4-5 होते थे, इतनी दुख मनाती थी, कल 10 हो गए, तो 10 तो मैं देख के एकदम ये हो गई, चलो कोई नहीं, जो अन हो गए आ भी जाए वापस, और 2-3 मिनट 4-5 मिनट आप लोग वीडियो को वॉच करने के बाद भी सब्सक्राइब करें, जो भी न्यू आए प्लीज़। और बस आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो, और आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ कल अच्छे नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।